सामाजिक सुरक्षा पेंशन थाम रही हाथ, इज्जत की बढ़ती होगी सुधरे हालात, दिव्यांग अनाथ बुजुर्गों की सुनी, दिव्यांग विधवाओं बुजुर्गों की सुनी, राजस्थान में रौनक चौगुनी। नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच रविवार को लड़ाई तेज हो गई। हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले में अब तक दोनों ओर से 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। हमास इसराइल के प्रमुख शहरों को टारगेट करके रॉकेट दाग रहा है। इसराइल की आर्मी ने बताया कि हमास द्वारा किए गए हमलों में केवल नागरिकों की हत्या ही नहीं हुई है बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी बंधक बनाया गया। इसराइल ने कहा कि अब हमास के साथ युद्धरत हैं और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 500 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल में 300 ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में गाजा में अभी तक 230 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस युद्ध में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के लड़ाकों को आखिरी चेतावनी दी। शनिवार को हमास ने इसराइल में 5,000 से अधिक रॉकेट दागे थे। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि वे एक लंबे कठिन युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमास के लड़ाके जहां भी छुपकर हमला कर रहे हैं हम उन्हें ढूंढकर मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के लोगों से कहता हूं कि अभी भी इजराइल के शहरों को खाली कर दो क्योंकि हम हर जगह जबरदस्त कार्रवाई करेंगे।